आशिकी टू था ना, तो रियल मेरे पे बेस हुआ था। आप पे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम हैं ली में और यहाँ पर हमारे साथ हैं दानिश भाई और काजी भाई, अपने दो पार्टनर्स बाहर गए हैं, साकिब और आकिब भाई, और अपना चल रहा है यहाँ पर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ले से निकलते हैं। अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, यहाँ पर अपने भाई लोग तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर अपना सामान वामान सब पैक हो गया है, आकिब भाई अपने गेयर्स वगैरह पहन रहे, राइडिंग गेयर्स। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ओए दानिश, मेरी की ले आना। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। ये खड़ी है अपनी आरसी और अपनी बुलेट वगैरह भी बाहर ही ले गया भाई अपना, नहीं सॉरी, अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी है। तो तो गाइज, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपने पार्टनर दानिश भाई अपने साथ हैं और अपने आकिब खान व्लॉग्स वहाँ पर हैं। तो ओ भाई, चल बैठ दानिश भाई। तो ये है अपनी ले की मार्केट, देख रहे हो, ये अपनी ले की मार्केट है यार। तो गाइज, ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा मंदिर, और ये गेट अभी हमें पता नहीं यहाँ जाना था यहाँ जाना था, पूछना पड़ेगा किसी को कि नुब्रा के लिए कौन सा रास्ता है। तो हम पहुँच चुके हैं लगभग ले सिटी से 50 to 60 किलोमीटर हमें राइड करना था, बट अभी तक हमने राइड किया सिर्फ 5 to 70 किलोमीटर, और हमें पंप मिल गया यहाँ पर। भैया फुल कर दो, ऑनलाइन पेमेंट है ना, तो कोई बात नहीं, फुल कर लो। हैं, ओके ब्रो, कोई बात नहीं, फुल कर दो। रास्ता कैसे आगे, साफ है रास्ता? साफ ही ऐसा मिलेगा ऐसे ही। जम्मू से? जी जी, मेन जम्मू। कितना हो सर? तो गाइज, अपना पेट्रोल टैंक फुल कर दिया 750 में भैया ने, तो गूगल पे वगैरह चल रहा है, तो पेमेंट कर देते हैं भैया को। सो करना डांस भैया यूट्यूब पर? हाँ हाँ, डांसर लग रही है। क्या हुआ? ये पहले टैटू था। अच्छा, टैटू रिमूव करवा आपने यहाँ पे ना? किसका था टैटू? एक जमाने में मैं बहुत ओ था सर, आशिक ही था मैं। अभी कितनी एज है आपकी? आशिक थे आप? हाँ आशिक थे। कितने बड़े? बहुत बड़े। तो आशिक ही टू था ना, तो रियल मेरे पे बेस हुआ था। आप पे? आपने सुसाइड नहीं किया? तो करने वाला था ना, कोई रुक लिया था। रोक लिया किसने? तो डांस वांस करो ना थोड़ा यार। ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं करो डांस। ऐसे कॉल कर गया तो भैया डांस करेंगे हमारे। आपको फोन आया? हाँ फोन आया ऐसे। ब्रेक डाउन करो डांस। आप लोग भी करते हैं? नहीं हम नहीं ना करते हैं। आप मेरा फिरकी ये इसको आता नहीं? नहीं फिरकी नहीं ले रहा है। आप भाई जैसे, हमें आपकी फिरकी क्यों लेंगे हम यार। थोड़ी बाइक स्टैंड पे करते हैं आप लोग। नहीं क्योंकि अगर कुछ स्टैंड मारेंगे टूट जाएगा ना, क्योंकि पार्टी बहुत महंगे है। बुलेट में भी नहीं, वो छोटी हल्की बाइक होती है ना ड्यूक, वो बहुत हल्की। और स्कूटर से कर लेते हैं? स्कूटर पे कर लूँगा मैं। हाँ। स्कूटर पे स्टैंड मार लूँगा सच में। हाँ करूँ दो चाबी? और चाबी तो घर में भूल गया सर। चल यार परमिट करवाते हैं भैया, शूज़ गिफ्ट करेंगे। हाँ ठीक है। कितने शूज़ हैं? 1, 2, 3, 4 शूज़। हाँ चार। हाँ फिर परमिट कटवाएंगे अगर 4 शूज़ मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, लाओ 4 शूज़।
लाओ भैया, लाओ चार शूज। चलो लाओ, एक तो हो गया। हाँ एक हुआ ना, मैं उतार लूंगा ये। एक वो उतार देगा यार, मेरे किले। मैं तो ये रखूंगा। नहीं इसका दूसरा, इसका दूसरा कहाँ पूरा जो। तो अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर चेक पोस्ट है। हमने एक्चुअली अपने परमिट नहीं बनाए थे, हमें लगा शायद J&K से तो हमें परमिट नहीं बनाने पड़ेंगे, बट परमिट बनाना ज़रूरी है, तो हमने परमिट बनाकर चेक करवाए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं। ओके ब्रदर, सेफ जर्नी ब्रो। ओके मैम, टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी। ओके ब्रो, ओके ब्रो, बाय। क्या नाम है आपका भैया? मिलन माझी। आप कहाँ से आए हो? मैं कोलकाता से। कोलकाता से किस पे आए हो, मतलब बाय रोड या बाय बस? बाय वॉक है, पैदल पूरा। कितने दिन लग गए वहाँ से यहाँ? 82 डेज लग गए आपको? अरे क्या बात है। तो मतलब खाना पीना प्रॉब्लम वगैरह कुछ? अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, मगर हाँ रास्ते पे तो बहुत तकलीफ था, जैसे झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पूरा हिमाचल होते हैं अभी लद्दाख। मतलब आपने क्या खुद से मतलब ये किया कि चैलेंज लिया बाइक लेके आने का, खुद का बाइक से? हाँ, मगर फाइनेंशियली हो नहीं पाया। और कहते हैं आपका डेस्टिनी में जो नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा वही था सपना, पूरा करना था। अच्छा, आपका सपना था कि आपको लद्दाख जाना है? जाना था, और बाइक से। बाइक से? बाइक शायद बाद में ले लेंगे, मगर अभी था करेंगे। जहाँ तक लोग बाइक से, फोर व्हीलर से जाते हैं जी जी, वहाँ तक शायद ही कोई पैदल पश्चिम बंगाल से 2500 किलोमीटर कोई पैदल बाइक कोई आएगा। तो गाइस ये देख रहे हो हमारे भैया है, ये जो है मीर क्या ना, माजिद मिलन। तो ये 2500 किलोमीटर पैदल चलने का टारगेट रखा है इन्होंने, और पैदल आए हैं कोलकाता से यहाँ पर। ये इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनकी ड्रीम कम्प्लीट नहीं हो पाई, तो इन्होंने अपने ड्रीम कम्प्लीट करने के लिए बाई वॉक आए यहाँ पर। हाँ, कल ख़त्म होगा ये जर्नी, खारदुंगला तक मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है। अच्छा, हावड़ा ब्रिज से लद्दाख का खारदुंगला टॉप बाई वॉक 2500 किलोमीटर, तो कल ख़त्म होगा ये। तो फिर आप वहाँ से कैसे वापस पैदल? नहीं, वापस जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़ तक बाई कार, फिर चंडीगढ़ से बाई ट्रेन कोलकाता। तो गाइज अभी आपने देखा ये जो बंदा था मिलन मांझी करके, इनका नाम है, इन्होंने अपनी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मतलब कितने सैक्रिफाइस किए, मतलब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में, होती है सबको, बट इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपनी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए पैदल मतलब बाय वॉक कोलकाता से ले आए। और अभी इनका आगे का है कि इन्होंने नुब्रा वैली तक का रखा अपना टारगेट कि वहाँ तक जाएंगे, और वापसी वक्त ये जाएंगे किस पे, बाय बस या बाय रोड, जिस तरह भी इनको जाना होगा उस तरह जाएंगे। बट 25 किलोमीटर बंदे ने पैदल यार वॉक करके यहाँ पर आया है, तो सोच सकते हो बंदे की यार मतलब कैपेबिलिटी क्या है, बंदा बहुत आगे जा सकता है ये बंदा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि इसकी हर बंदा यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो यार करनी भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं यार इसको कोई प्रॉब्लम होगी, क्या इश्यू है जिसकी वजह से ये मतलब बाहर वॉक आया, वरना आज कौन मतलब हर बंदा कंफर्टेबिलिटी चाहता है कि कंफर्ट जोन हमें मिले। जैसे कि कोई भी बंदा अगर इसके पास भी पैसा होता ये भी बाइक पे आता, ऐसा नहीं कि ये बाइक पे नहीं आता, इसको ये भी अपने शौक पूरे करता, पर यार घर की मुसीबतें होती हैं तो कई बार नहीं कर सकता इंसान। तो फिर भी बंदे ने कितना अपनी तरफ से मतलब किया यहाँ आने के लिए, कितना सेक्रीफाई किया कि मुझे यहाँ पर आना ही आना है, और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और अगर कोई और भी बंदा ऐसा होगा तो यार अपने ड्रीम को मतलब कभी पीछे मत रखना, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिली कि यार अपनी ड्रीम अगर जितनी मर्जी बड़ी हो तुम उसके लिए लड़ो, फाइनली वो कंप्लीट हो ही जाएगी एक दिन। तो गाइस फाइनली अपनी एंट्री हो गई यहाँ पर, और यहाँ से निकल रहे हैं हम
नुब्रा वैली के लिए चेक पोस्ट यहाँ पर एंट्री करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर एंट्री करवाई होगी तो इनको पता होगा अगर इन केस रास्ते में कुछ हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है मतलब उस चीज़ की। बट ये है कि इनको पता होगा कि ये पर्सन यहाँ से गया है, ठीक है, तो एंट्री करवा कर निकलना। हमारा जो एक भाई था उसने एंट्री नहीं करवाई, वो ऐसे ही चला गया। उसने अभी हमें बताया तो फिर हमने उसकी एंट्री करवाई। उसने हमें बताया कि इनकेस अगर आपको कुछ हो जाएगा हमारे किसी खाते में नहीं आएगा ये, तो एंट्री करवा के जाना चाहिए हर जगह से। तो निकलते हैं आप जल्दी से जल्दी, 12 किलोमीटर रह गया हमें नुब्रा वैली, वहाँ पहुँचते जल्दी से। तो फाइनली गाइज हम पहुँच गए हैं बर्फ के पहाड़ के पास, देख रहे हो ये हैं अपने बर्फीले पहाड़ जो हम नीचे से देखते आ रहे थे कि बर्फ ही बर्फ है, कब पहुँचेंगे यहाँ। फाइनली हम पहुँच गए इस डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से खुरदुकला पास लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब हम पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ पे करेंगे फोटोशूट और आपको वहाँ का व्यू बताएंगे। और अभी आप मज़े लो स्नो के, और यहाँ की जो भी व्यू है उसका मज़ा लो अच्छे से। ये मतलब बर्फ़ पिघल कर जो पानी बन रहा है ये वो है, और यहाँ पर देखो ना यार वही मतलब पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ फ्रीज हो रहा है, देख रहे हो आप। देखो यार ये देखो कितना हार्ड है। ओ भाई देखो ये देख रहे हो कितनी हार्ड है, मतलब पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ फ्रीज हो रहा है ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। और धूप भी देखो कितनी है, बट फिर भी जो ये पहाड़ है ना यहाँ पर देखो बर्फ़ किस तरह से मतलब फ्रीज़ हो गई है। तो हम पहुँचने ही वाले थे नुब्रा वैली, तो अपना फ्रेंड काफ़ी पीछे रह गया था तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया ना, नेटवर्क आ रहे हैं उसके फ़ोन के। तो अब हम वापस जा रहे हैं नुब्रा वैली, पहुँचने ही वाले थे, थोड़ा ही पीछे थे, तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा। अभी तक वो आया नहीं है, पता नहीं क्या हो गया रास्ते में, क्यों नहीं आया अभी तक वो, तो देखते हैं क्या हुआ, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर ना अपने भाई एक मिल गए, उनको ना थोड़े टूल्स वगैरह चाहिए थे कि बाइक पे थोड़ा इशू आ गया। और क्या, ये हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं जिनका फ़ोन घुमा था, ये वही भाई हैं। देखना इनमें से कोई की वगैरह लगेगी, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है एक तो ये है, ये छोटी है शायद से, इससे छोटा वाला है। तो भाई का फिल्टर चेंज करना था, फिल्टर चेंज नहीं हो पाया, तो अब भाई को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं नीचे, वहां करवाएंगे भाई की बाइक वगैरह ठीक। तो रखते हैं टूल किट वगैरह यहाँ पर, ठंड बहुत ज्यादा यहाँ पर। भाई क्लच प्लेट टूट गई, क्लच प्लेट टूट गई है। तो भाई की क्लच प्लेट उड़ गई है, बाइक की, भाई क्लच प्लेट उड़ गई है, नहीं नहीं क्लच प्लेट उड़ गई है इसकी, पक्का डेफिनेटली उड़ गई है क्लच प्लेट।